विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच खेला गया। हिमाचल प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तमिलनाडु ने हिमाचल के सामने 315 रन का लक्ष्य रखा था, लक्ष्य जिसे हिमाचल ने विजेटी मेथड से जीत लिया। हिमाचल प्रदेश ने 5 बार की चैंपियन तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बन गया है। फाइनल में तमिलनाडु ने हिमाचल प्रदेश के सामने 315 रन का रखा था लक्ष्य। हिमाचल ने 47 ओवर में 4 विकेट पर 299 रन बना लिए थे। इसके बाद खराब रोशनी के चलते अंपायरों ने मैच का नतीजा विजेटी नियम वी जय देवन नियम से दे दिया। इस नियम के मुताबिक मैच में आगे चल रही टीम को विजेता घोषित किया जाता है। कई पैमानों पर इसके स्कोर कैलकुलेट किए जाते हैं। वनडे और T20 मैचों में ही सिर्फ इस नियम का इस्तेमाल होता है। इस नियम के मुताबिक हिमाचल प्रदेश मैच में आगे चल रही थी तो अंपायरों ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। हिमाचल की ओर से ओपनर शुभम अरोरा ने 131 गेंदों पर 136 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं कप्तान ऋषि धवन ने तूफानी पारी खेलकर 23 गेंदों पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा अमित कुमार ने 74 रन बनाए। शुभम को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वहीं तमिलनाडु की ओर से दिनेश कार्तिक ने 116 रन, इंद्रजीत ने 80 रन और शाहरुख खान ने 21 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली थी। 315 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु ने अच्छी शुरुआत के बाद 36 रन के अंदर 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद शुभम अरोरा ने अमित के साथ 148 रन की साझेदारी कर अपनी टीम के लिए मैच बना दिया। इसके बाद अमित 74 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन शुभम क्रीज पर जमे रहे। उन्होंने कप्तान ऋषि धवन के साथ भी अर्धशतक